नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुंगारिया आपका सामाजिक विज्ञान विषय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में लेसन नंबर 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम ये समझ चुके थे कि भारत में जनपद से महाजनपद कैसे बने और भारत में कौन कौन से महाजनपद थे। हमने देखा था कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवति सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसमें से मगध एक महाजनपद जिसकी राजधानी राजगृह या ग्रीव ग्रह था, उसका उदय कैसे हुआ और उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी उसको देखने का प्रयास करते हैं। मगध महाजनपद का उदय हरिवंश समय में हुआ था। 326 ईसा पूर्व पर मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। इसके विलासितापूर्ण जीवन और इसकी शासन व्यवस्था से उस समय की प्रजा बहुत दुखी थी। एक समय की बात है, घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त या खंडगुप्त के नाम से भी जाना जाता है का अपने दरबार में एक बार अपमान कर दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए वहां से निकल पड़ा और एक ऐसे योग्य शिष्य की खोज में निकल पड़ा जो उसके प्रतिशोध का बदला ले सके। उस समय उस मार्ग पर उसे एक ऐसा बालक दिखाई दिया जिसमें वे सभी प्रकार के गुण मौजूद थे जो शासक होने चाहिए और अपना प्रतिशोध लेने की क्षमता होनी चाहिए। वही बालक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में मगध का शासक बन बैठा। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और दोनों के मध्य संधि हो जाने पर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मेगस्थनीज नामक व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। तमिल ग्रंथ अहनानूरु और मुन्नानूरु से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे। 24 वर्ष शासन करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु नामक व्यक्ति से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला गांव जो मैसूर कर्नाटक में आता है उपवास या संथारा विधि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र जिसे इतिहास में बिंदुसार के नाम से जाना जाता है वह राजगद्दी पर आसीन हुआ। बिंदुसार का जो कालक्रम है वो 298 से 272 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंदुसार का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से संबोधित करते थे। अमित्रोचेट्स का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। भारतीय ग्रंथों में भी बिंदुसार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जबकि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। दिव्यवदानी ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला जो उस समय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था में दो विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अशोक और बाद में सुशील को भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। प्लिनी इतिहासकार है, इतिहासकार प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस जिसे मेलाविक्य या मेलिविक्य के भी नाम से जाना जाता है उन्होंने डियानिसियस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस प्रकार आज हमने मगध महाजनपद का उदय, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासनकाल में कौन कौन सी मुख्य घटना घटित हुई थी उसको देखने का प्रयास किया। आगे के पाठ में हम बिंदुसार के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक या जिसे अशोक के नाम से जाना था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।